वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज, माय नेम इज निशान अली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट वन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंट, बिजनेस, इकोनॉमी या फिर साइंस। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे अकाउंट पेबल आर आल्सो कॉल्ड क्रेडिटर, डेटर, बुक डेट या एक्सपेंस। जो अकाउंट पेबल होते हैं उनको क्रेडिटर्स भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंसेशन और डिडक्शन अलाउड बाय ट्रेडर ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ अ गुड ऑफ अ प्रोडक्ट या गुड ऑन प्रोडक्ट सेल्स इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कहलाता है अगर ट्रेडर जो है वो लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट देता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैश ऑफ गुड विच इज विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ ओनर इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, एसेट, लाइब्रेरी या ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है सेल रिटर्न आर आल्सो टर्म्स एज कैरिज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड या नन ऑफ अबव। रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है सेल रिटर्न को। नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग इक्वेशन इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन कैश रिकॉर्डेड एज इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन डेटर्स या नन ऑफ अबव। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो ए है, इंक्रीज इन कैश होगा और इंक्रीज इन कैपिटल। जैसे अकाउंट इक्वेशन एसेट माइनस लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल रिप्रेजेंट नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, इक्वल बैलेंस, जीरो बैलेंस। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डी है, जीरो बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट इन अकाउंटिंग क्वेश्चन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स विल इंक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज डेटर्स, इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज डेटर्स, डिक्रीज कैश एंड डिक्रीज डेटर्स, डिक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज डेटर्स। यहाँ पर आप जो है वो डी राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंक्रीज कैश होगा और डिक्रीज डेटर्स होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइब्रेटीज, लाइब्रेटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइब्रेटीज। ऑल ऑफ दोस, यहाँ पर राइट जो है वो एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइब्रेटीज। इन अकाउंटिंग क्वेश्चन रेंट पेड फॉर ऑफिस विल बी रिकॉर्डेड एज डिक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी या इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो ए है, डिक्रीज होगा कैश और कैपिटल भी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, लेजर या जर्नल। सी जो है वो जर्नल कहलाता है। ऑन कैश फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास। अगर आप परचेज को इक्विपमेंट करेंगे कैश पर तो इसकी एंट्री क्या होगी। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है इक्विपमेंट्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। व्हेन गुड बाय लोड बाय पार्ट विच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्या अमाउंट जो है वो क्रेडिट करेंगे जब गुड फायर के जरिए लॉस हो जाएंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो सी है, परचेज के साथ रिकॉर्ड करते हैं उसी के साथ जो है वो उसे क्रेडिट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज कॉन्ट्रा अकाउंट बाय नेचर। ऑल ऑफ अबव सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ड्राइंग जो है वो कॉन्ट्रा अकाउंट है। विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन ओनर ब्रिंग मनी और गुड्स इनटू बिजनेस। कैपिटल जो है वो बढ़ता है जब कैश या गुड्स लाता है ओनर। नेक्स्ट है बिजनेस ओन बाय टू और मोर इंडिविजुअल इज कॉल्ड, अगर बिजनेस जो है वो दो या दो से ज्यादा बंदों के ओनरशिप में हो तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। नेक्स्ट है मॉडल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज डबल एंट्री सिस्टम, जो है वो मॉडल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। नेक्स्ट है द आर्टिकल परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग आर नोन एज मर्चेंडाइज कहलाती है। अगर गुड परचेज की जाए, आर्टिकल परचेज की जाए सेलिंग पर्पज के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच हैव यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर टर्म्ड एज एसेट जो है वो कहलाते हैं। A symbolic code of transactions relating to a person or thing which thing is known as account. Next, in accounting question, income earned but no receipt is recorded as increase in capital and increase in debtors. In accounting question, assets is equal to liability plus capital represent
इक्वल बैन आउट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट इन अकाउंटिंग क्वेश्चन कैश पेड टू क्रेडिटर विल डिक्रीज कैश एंड डिक्रीज क्रेडिटर, ये राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर राइट जो है वो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट नहीं है। नेक्स्ट इन अकाउंटिंग क्वेश्चन सैलरी पे टू एम्प्लॉयज विल रिकॉर्डेड एज, अगर हम सैलरी पे करेंगे एम्प्लॉयज को तो वो कैसे रिकॉर्ड की जाएंगे, डिक्रीजिंग कैश एंड डिक्रीजिंग कैपिटल। अब क्योंकि ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली इज जो है वो क्या कहलाती है, जर्नल। फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास, अगर परचेज करेंगे क्रेडिट पे मशीनरी तो वो मशीनरी जो है वो डेबिट होगी और अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट वन गुड, वन गुड आर गिवन एज डोनेशन विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, परचेजेस जो है वो क्रेडिट किया जाएगा अगर गुड डोनेशन की जाएगी। परचेजेस के साथ हम गुड को लिखते हैं उसी के साथ जो है वो उसके ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास, कौन सी अगर हम सेल करेंगे फर्नीचर को क्रेडिट पे तो जनरल एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होंगे और फर्नीचर क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन ओनर विथड्रॉ मनी और गुड फ्रॉम बिजनेस, ड्राइंग जो है वो डेबिट होंगी अगर गुड या जो है वो लेके जाता या मनी तो उसे ड्राइंग के साथ लिखते हैं। इस तरह के मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ भी याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।